बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी 5 अक्टूबर 2021 की लेटेस्ट टुडे न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पे जो जानकारियाँ निकल के आ रही है, स्नातक में सेकेंड लिस्ट का नामांकन हुआ पूरा, आज अपडेट होगी रिपोर्ट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आज तक मतलब कल तक अपना जो भी एडमिशन नहीं लिए हैं वो ले लें, और उसके बाद सभी कॉलेज के लोग अपडेट मतलब प्रिंसिपल अपडेट कर देंगे पोर्टल पे ताकि कितनी सीटें बाकी है, ताकि उसी के अनुसार से थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, जो कि यहाँ पे साफ तौर पे भी डिटेल से दी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिहार विश्वविद्यालय के अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेज स्नातक सत्र 2021-24 के सेकेंड लिस्ट के आधार पर एडमिशन का मौका सोमवार को खत्म हो गया, जो कि देख पा रहे हैं 13,500 सीटों के लिए सेकेंड लिस्ट जारी की गई थी, जबकि पहली लिस्ट में 88,000 अभ्यर्थी थे। वहीं स्नातक में एडमिशन को लेकर के 1.43 लाख स्टूडेंट ने 6 जिलों से आवेदन किया है, जो कि 99 कॉलेजों के लिए एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स और जो खबरें निकल कर रही है महत्वपूर्ण खबरें हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे सूची में नाम आने के बाद भी छात्र नहीं ले रहे हैं नामांकन, जो कि बिहार विश्वविद्यालय से खबर है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्सिटी की थोड़ा लापरवाही इन्हीं कारणों से, और वैसे CBSE वाले स्टूडेंट बहुत कम लोग एडमिशन ले रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे भी देखो ने स्नातक में नामांकन को लेकर के मेगा सूची में नाम आने के बाद भी स्टूडेंट विभिन्न कॉलेज में दाखिले के लिए नहीं पहुँच रहे। सोमवार को स्नातक के सत्र 2021-24 के लिए दूसरा मेगा सूची ने लिस्ट के आधार पर नामांकित दिन था, जो कि खत्म हो चुका है, और अब नेक्स्ट थर्ड लिस्ट आने की संभावनाएँ हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहेगा तो आपको अपडेट मिलते रहेगी। साथ साथ यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सत्र 21-24 के लिए नामांकन की प्रक्रियाएं चल ही रही है, क्योंकि अभी थर्ड लिस्ट आने वाला है, तो आप सभी को अपडेट रहने की आवश्यकता है। निजी कॉलेजों ने कहा कि प्रक्रिया में विलंब से हुई है स्थिति, तो यहाँ पे भी जानकारियां जो निकल कर रही है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, पार्ट वन की परीक्षा शुरू और केंद्र तक पहुँचने में हुई है परेशानियाँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं छात्र हलकलहन, यहाँ पर देख पा रहे हैं पार्ट वन की परीक्षा को लेकर के जल जमाव हुआ के कारण स्टूडेंटों को दिक्कतें भी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सत्र बतलाया गया 19 से 22 पार्ट वन वाला स्टूडेंटों के लिए, जो कि 3 बार ऑलरेडी एग्जाम कैंसिल हो चुका है, जो कि 4थी बार एग्जाम होने जा रहा हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा गया, परीक्षा नियंत्रण ने कहा कि नहीं मिली गड़बड़ी की शिकायत। तो यहाँ जो डिटेल्स निकल के आ रही, अच्छी खबरें निकल के आ रही है, और इन सभी डिटेल्सों को जानने के लिए टेलीग्राम से इन पेपर कटिंगों को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। साथ ही साथ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, स्नातक परीक्षा 2020 साल भर विलम्ब से हुआ पार्ट वन की परीक्षाएँ, जो कि जाम और जलजमाव से जूझते परीक्षार्थी केंद्र तक पहुँचे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं जलजमाव भी था और भीड़भाड़ के कारण भी दिक्कतें आई है। प्रोबेसी ने परीक्षा केंद्रों पर किया है निरीक्षण, जो कि अच्छी खबर है, निरीक्षण करने भी चाहिए, क्योंकि मुन्ना भाई आज के डेट में बहुत ज़्यादा लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं, डॉक्टर अशोक ने समन्वयक की जिम्मेवारी छोड़ी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, 3 शिफ्ट में 2-2 घंटे की परीक्षाएं हो रही है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, 3 शिफ्ट में 2-2 घंटे की होगी परीक्षाएं, जो कि पार्ट वन जो कि 11 से 12 बजे तक चलने वाली है, वहीं 3रा शिफ्ट जो होगा 3 बजे से 5 बजे तक चलेगा। तीसरे शिफ्ट के लिए 1 घंटे का ब्रेक दिया गया, जो कि केंद्रों की तैयारी के लिए ये अच्छा समय है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कल की वीडियो में मिलेगी। आज की जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी डिटेल्स आज की वीडियो में निकल के आई थी, मैंने आपके साथ में साझा किया, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, कल के डेट में। थैंक यू।